पूर्व विधायक ब्रिजेश सौरभ ने सिद्धार्थ होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज डॉक्टर स्वर्गीय सोनेलाल पटेल नाम रखा जा रहा है, उसके विरोध में माननीय पूर्व विधायक ब्रिजेश मिश्रा ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम हस्तियां जो हैं कि प्रतापगढ़ के नाम से चर्चित हैं, उनका नाम रख दिया जाए तो प्रतापगढ़ की शान बढ़ जाएगी। पूर्व विधायक ब्रिजेश सौरभ ने और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। के माध्यम से जुड़े रहते हैं और लोगों की भावनाओं को पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मेरे मन की और प्रतापगढ़ के जन की बात वहां तक पहुंच चुकी है। सोनेलाल नहीं तो किसके नाम से होना चाहिए? हम कह रहे हैं अगर लगता है कि ये किसी एक वर्ग या किसी एक जाति को ही खुश करने का था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़ी विभूति और उनसे बड़ी हस्ती, उनसे बड़ा त्याग, उनसे बड़ा बलिदान और उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त दूसरा कोई नहीं है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण होगा तो हम क्या पूर्वी प्रतापगढ़ की जनता, प्रदेश सरकार की और केंद्रीय नेतृत्व की आभारी होगा। प्रतापगढ़ में भी तमाम विभूतियाँ ऐसी रही हैं, तो चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक क्षेत्र, राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेगा, क्या उनके नाम पर नहीं होगा? मैं कहता हूँ कि अगर प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना तो साफ साफ मैंने कहा कि स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह जी, स्वर्गीय राजा अजीत प्रताप सिंह जी, धर्म गुरु करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट कृपालु जी महाराज, जगत गुरु और हमारे अन्य जो राजनीतिक परिवार के सदस्यों ने गरीबी से उठ करके, बाबा रामचंद्र जी, बाबा झिमुरी, जिन्होंने आज़ादी के समय से भारत प्रतापगढ़ की पहचान बनाई, उन्होंने संघर्ष करके किसानों को एकत्र करके आज़ादी के लिए प्रतापगढ़ का योगदान दिखाया, आज उन्हीं लोगों के नाम पर बन जाता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सोनेलाल पटेल जी का प्रतापगढ़ की मिट्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है और उनका नाम मेडिकल कॉलेज के नामकरण के तौर पर स्वीकार नहीं है। अगर किसी वार्ड का नामकरण करना चाहे तो हमें आपत्ति भी नहीं है। क्या लगता है कि केवल अंतरिया को संतुष्ट करने के लिए नामकरण किया गया क्योंकि पटेल बिरादरी से ही सरदार पटेल आते हैं? अब वो कैसे कैसे संतुष्ट होती हैं मुझको इसकी जानकारी नहीं है। कल आपने फेसबुक के माध्यम से योगी जी से मांग की थी गोरक्षनाथ पीठ जो है उसका नामकरण करने, क्या था? ये तो एक स्वाभाविक आक्रोश है। क्या मांग किया? नहीं, हमने तो कहा भाई अगर इस तरीके से नामकरण करने की ही वो है तो भाई आप किसी पर कोई चीज़ राजनीतिक उद्देश्य साधना ही है तो वहाँ से उसका नामकरण कर दीजिए तो पूरे भारत में संदेश चला जाए, सोनेलाल पटेल के नामकरण कर दीजिए, मान तो बना दिया जाए डॉक्टर के बजाय, इसमें बुराई भी नहीं।